उधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके में पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी दांत की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो पुरुषों और एक महिला को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हाथी के दांत की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और वन विभाग इस बात का पता लगा रहे हैं कि तीनों आरोपी हाथी दांत लेकर कहां से आए, उनके साथ तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पुलिस इस बात का पता भी लगाने की कोशिश कर रही है कि हाथी की हत्या कब और कहां की गई। पुलिस को शक है कि हाथियों के कुछ शिकारी भी गिरोह में शामिल है और एक वाहन बांसखेड़ा जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जब रोका गया उनको, तो उसमें दो पुरुष और एक महिला थे। दोनों पुरुष हल्द्वानी के थे और एक महिला जो थी चंपावत की थी। इनके पास एक थैला मिला, उस थैले में उन्होंने लगभग 2.5 फीट का एक हाथी दांत जिसके हिसाब से रखा था। पूछने पर इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वन विभाग की टीम को सूचना देकर इनको बुलाया गया। वन सुरक्षा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनको पकड़ा गया है। इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो वन विभाग की टीम के द्वारा अमल में लाई जा रही है।